कहीं ना कहीं अगर पार्टी कई युवाओं पे विचार करे तो एस तोमर भी हो सकता खाते गांव से विधानसभा प्रत्याशी के बाद। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कुछ भी हो सकता है। छोटा सा कार्यकर्ता जब पार्टी यदि सोच ले तो पार्टी हर चीज़ संभव है। पार्टी के लिए हो सकता है कि भाई एक चाय वाले को प्रधानमंत्री जब बन सकता है तो यश तोमर भी विचार कर सकती है पार्टी ऐसी। नमस्कार, आप देखें राजधानी समाचार। बात की जाए देवास जिले की खाते गांव विधानसभा सीट की और खाते गांव के जो विधायक प्रतिनिधि हैं यश तोमर हमारे साथ हैं। बात करेंगे लोकल की राजनीति को लेकर, वर्तमान में जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर क्या माहौल। कई जगह हम आपके विधानसभा के गाँव में गए तो कई जगह क्षेत्रीय विधायक जी का, वर्तमान विधायक का विरोध दिखा, क्यों हो रहा है कई कई गाँव में विरोध आपके विधायक जी? उसको विरोध नहीं कह सकते हैं। अब जिनके छोटे मोटे कार्य नहीं हुए, किसी की कूपन नहीं बनी, किसी का पर्ची नहीं बनी, वो बात का विरोध है। बाकी विरोध ऐसा कोई विधायक जी का है नहीं। और रही बात विरोधी दल की, तो अब जिनकी दाल नहीं गल रही है वो तो विरोध करेंगे। इस बार जो चुनाव है बड़ा ही अलग दिख रहा है मध्य प्रदेश में 2023 का, क्योंकि तमाम जो नेता हैं सब जगह क्षेत्र में घूम रहे, तैयारी कर रही है। और खाते गाँव विधानसभा का क्या माहौल है, जनता क्या चाह रही, क्या स्थिति बन रही वहाँ? नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमारे यहाँ जंक्शन के समय से ही भाजपा का वर्चस्व रहा है, जंक्शन का रहा है, भारतीय जनता पार्टी का रहा है। हमारे यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार जो भी जिसको पार्टी चुनेगी वो प्रचंड बहुमतों से विजय प्राप्त करेगा। और लोग आरोप लगा रहे हैं कई लोग कि भाजपा में गुटबाजी है खाते गांव विधानसभा में, क्या है गुटबाजी में, कितनी सच्चाई है तोमर जी? नहीं नहीं, गुटबाजी नहीं है, भाजपा एक है, शुरू से एक है, एक ही रहेगी और एक है अभी। विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, आप भी क्षेत्र में जा रहे होंगे, क्या लगता है इस बार आपको जो लाडली बहना आई, योजना आई, उससे कितना असर पड़ेगा क्षेत्र में? लाडली बहना से बहुत असर पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छी योजना चालू करी है बहनों के लिए और भांजियों के लिए। बहुत मुख्यमंत्री जी की जितनी तारीफ की जाए, भारतीय जनता पार्टी का कार्य सराहनीय है और उससे काफ़ी लाभ होगा। देखा जाए तो आपको जो खाते गांव के विधायक आशीष जी, क्या विरोध क्यों, आशीष जी का विरोध क्यों है? ऐसा लोग कह रहे हैं कि इस बार टिकट बदलना चाहिए खाते गांव विधानसभा से, बर्तन बताएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कोई विरोध नहीं है। आशीष जी का कार्य अच्छा है, सराहनीय कार्य है। और भाई अब जिनको जिनको टिकट चाहिए, जिनको जिनकी दाल नहीं गल रही है, ऐसे खुल के मैदान में आ गए खाते गांव में, मैं दावेदार हूँ, मुझे भाजपा टिकट दीजिए। नहीं नहीं, दावेदारी करने का सबको अधिकार है, प्रत्येक कार्यकर्ता को अधिकार है, उसमें कोई गलत नहीं है। बाकी संगठन जिसका निर्णय करेगी उसके साथ सभी को रहना है, ऐसा संकल्प सभी भाजपा कार्यकर्ताओं में होना चाहिए। आपकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि भी लंबी रही है, आपको इस बार की कहीं ना कहीं अगर पार्टी युवाओं पर विचार करे तो यश तोमर भी हो सकता खाते गांव से विधानसभा प्रत्याशी के बाद? ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कुछ भी हो सकता है। छोटा सा कार्यकर्ता जब पार्टी यदि सोच ले तो पार्टी हर चीज़ संभव है पार्टी के लिए। हो सकता है कि भाई एक चाय वाले को प्रधानमंत्री जब बन सकता है तो यश तोमर भी विचार कर सकती है पार्टी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। खाते गांव विधानसभा से अगर भाजपा यश तोमर को टिकट दे मान लें अपन, तो क्या स्थिति बनेगी? आप क्या तैयार हैं विधानसभा के लिए लड़ने के लिए? नहीं, बिल्कुल तैयार हैं हम, और प्रचंड बहुमतों से विजय प्राप्त करेंगे। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ रहेंगे और पूरा क्षेत्र की जनता हमारे साथ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सर्वे करवा लीजिए भले। क्या 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 संदेश देना चाहते हैं खाते गांव विधानसभा के युवाओं के लिए और जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं विधानसभा क्षेत्रवासियों के लिए? संदेश क्या देना है भाई, पार्टी जिसको टिकट दे उसका अपन कार्य करो भाई, मुझे दे तो मेरे लिए करो, आशीष जी को दे आशीष जी के लिए करो। भारतीय जनता पार्टी के साथ हम हैं, थे और रहेंगे। बड़ी बात कही है यश तोमर हैं जो विधायक प्रतिनिधि हैं, जो खाते गांव के विधायक हैं, लेकिन लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में काम भी कर रहे हैं, युवा मोर्चा में भी काम किए, अनुभवी नेता माने जाते हैं, युवा हैं, कहा है अगर पार्टी मुझ पर विचार कही कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इस समय देखा जाए भाजपा कई ऐसे युवाओं पर दाव लगा भी चुकी है कि जो लगातार भाजपा में नए आए हैं, चाहे आप चाचौड़ा से प्रियंका पेंची को देख लें। जुड़े हमारे साथ न्यूज़ की रिपोर्ट, भाजपा कार्यालय भोपाल।